दोस्तों आज डेट 22 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की पांच बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत का चंद्रयान 3 मिशन अब नया इतिहास रचने वाला है और अब यह सफलता चंद किलोमीटर की दूरी पर ही है और अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब भारत को यह सफलता हासिल होने वाली है, क्योंकि अब लैंडर विक्रम चांद की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डी बूस्टिंग के बाद अब लैंडर की रफ्तार धीमी हो चुकी है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए धीमी रफ्तार बेहद जरूरी होती है और अब 23 अगस्त की शाम को चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। प्रज्ञान रोवर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दे तो यह एक तरीके से चंद्रयान की जान है, क्योंकि यही चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी है जो चांद से जुड़े हर राज को अब खोलने वाला है और चांद की असलियत से पूरी दुनिया को रूबरू करवाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चांद से जुड़े हर वैज्ञानिक रहस्य को भी यह प्रज्ञान रोवर खोज कर लाने वाला है। वैसे तो चंद्रयान 3 के सभी हिस्से काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रज्ञान सबसे आखिरी चीज को अंजाम देने वाला है, यानी कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इसलिए एक तरीके से यह चंद्रयान 3 की रीढ़ की हड्डी के समान है। ऐसे में चांद की सतह पर यह काफी जरूरी खोज करने वाला है। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं जो सोलर पैनल के जरिए अपने लिए ऊर्जा बनाता है और प्रज्ञान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह चांद की सतह का बारीकी से निरीक्षण करके सारी जानकारी इसरो को पहुंचा सके। और इसके पहियों को खास तौर पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह चांद पर आसानी से चल सके। यह 26 किलो का है और इसकी पावर 50 वाट की है। इसके अंदर 2 नेविगेशन कैमरे लगे हैं जो इस पूरे मिशन को 14 दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे में चांद की सतह पर सक्सेसफुली उतारने के बाद प्रज्ञान रोवर अपना काम शुरू कर देगा। अब सभी लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि चंद्रयान 3 जल्द ही चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि रूस का सबसे बड़ा मिशन लूना 25 फेल हो गया है, क्योंकि लूना 25 क्रैश हो चुका है और यह खबर रूस की एजेंसी रोस्कोस्मोस के द्वारा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर टकराने की वजह से लूना 25 पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और इसके पीछे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हालांकि 19 अगस्त को ही ऑर्बिट बदलने के दौरान लूना 25 से संपर्क टूट चुका था, लेकिन यह जानकारी अभी सामने आई है कि लूना 25 अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस बारे में रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसे पता चला है कि लूना 25 की जब डी बूस्टिंग की जा रही थी उसकी स्पीड को कम करने के लिए, तो उस दौरान किसी तकनीकी खराबी की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई और इसी वजह से वह चांद की सतह से टकरा गया और पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ऐसे में इस खबर के बाद रूस पूरी तरह से निराश हो गया है, क्योंकि उसको अपने इस मून मिशन से काफी ज्यादा उम्मीद थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट लद्दाख से सामने आई है, जो कि एक बेहद दुखदाई खबर है, क्योंकि हाल ही में लेकी खेड़ी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस दौरान सेना की एक गाड़ी खाई में जा गिरी और उस दौरान 9 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान अभी भी घायल है। जानकारी के लिए बता दें कि सेना के जवानों से भरा एक ट्रक लेह से दूसरी जगह जा रहा था और इस काफिले में 2 ट्रक, एक एम्बुलेंस और एक मारुति जिप्सी थी, जिसमें 3 अधिकारी, 2 ड्राइवर और 34 जवान सवार थे। इसी दौरान एक ट्रक के ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और वह खाई में जा गिरा। आपको बता दें कि यह इलाका काफी ऊंचाई वाला है, यहां से अक्सर सेना की गाड़ियां आती जाती रहती है और जब यह ट्रक नीचे गिरा तो काफी ऊंचाई से गिरा और ट्रक में 10 जवान सवार थे। जैसे ही ट्रक खाई में गिरा तो घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि तब भी हादसे में 8 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हो गए। उन दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक और जवान की मौत हो गई। दूसरे की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवानों के शहीद होने पर गहरी संवेदना जताई है और कहा कि हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया है और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा सदैव याद रखी जाएगी। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब जल्द ही पीओके और बलूचिस्तान भारत में ही मिलने वाले हैं। हाल ही में पीओके और बलूचिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही है वे इस बात को साफ साफ दिखा रही है।
कि भारत अब ना सिर्फ पीओके को वापस लेने वाला है बल्कि बलूचिस्तान भी अब भारत में ही मिलने वाला है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए कि कैसे पीओके और बलूचिस्तान के लोग प्रधानमंत्री मोदी और भारत के नारे लगा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन लोगों के एक हाथ में बलूचिस्तान का झंडा है तो दूसरे हाथ में भारत का झंडा है और यह साफ साफ नारे लगाते कह रहे हैं कि मोदी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में यह पाकिस्तानी अपनी अपील सरकार से करने के बजाय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी यह बात खास तौर पर देखी गई थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस ना मनाकर इस दौरान काला झंडा फहराया और यह सभी लोग पाकिस्तान के विरोध में ही नजर आए। इस दौरान इन्होंने पाकिस्तानी झंडे को आग भी लगाई और तो और बलूचिस्तान में बसे लोगों ने तो तिरंगा झंडा ही अपने हाथ में उठा लिया, प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में वे साफ साफ कह रहे हैं कि पीएम मोदी आप आगे कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं। ऐसे में अब पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान भी भारत में मिल सकता है और भारत सरकार अब जल्द ही इसके लिए कदम भी उठाने वाली है क्योंकि अब खुद ही पीओके और बलूचिस्तान के लोग आगे आ रहे हैं और भारत सरकार को सीधे तौर पर अपना सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 40 दिनों में ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने वाले हैं, जल्दी पीओके और बलूचिस्तान जैसे हिस्सों को भारत में ही मिलाने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों बॉलीवुड से बड़ी अपडेट आ रही है कि 22 साल बाद रिलीज होने के बाद जिस तरह से गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचाया उसके बाद अब फिर से सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचाने वाले हैं क्योंकि 24 साल बाद सबकी पसंदीदा बॉर्डर पिक्चर बॉर्डर 2 से अपनी वापसी करने वाली है। बॉर्डर पिक्चर 1997 में रिलीज हुई थी और जल्द ही इस पिक्चर का अनाउंसमेंट भी होने वाला है। ऐसे में गदर 2 ने अब बहुत सी पिक्चरों के दरवाजे खोल दिए हैं और जल्द ही अब दूसरी पिक्चरों के सीक्वल भी रिलीज हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1997 में रिलीज होने वाली बॉर्डर पिक्चर उस समय की ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। पैसा कमाने के मामले में उस समय इस पिक्चर को 10 करोड़ में बनाया गया था और उसने 65 करोड़ यानी कि बजट से 6 गुना ज्यादा की कमाई की थी क्योंकि पहली बार लोगों ने सोल्जर की मूवी को इतने करीब से देखा था, इसलिए फिल्म ने पैसे के साथ साथ इज्जत भी खूब कमाई थी। ऐसे में बॉर्डर 2 के पास एक मजबूत कहानी होगी और एक दमदार सब्जेक्ट भी होगा। ऐसे में गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 आने का इंतजार भी हर एक भारतीय को रहेगा। तो दोस्तों इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।